असलकुम अभी ना हम जा रहे हैं फैसलाबाद हम त्याग करने जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ क्योंकि वो ना जब हम छोटे से थे ना तो जब जो छोटी सी लड़कियाँ होती हैं ना बच्चे होते हैं लड़कियों को ना गुड़िया और घर का बहुत शौक होता है तो मेरी जो भांझी हैं वो मुझे कहती हैं मामू मुझे घर ले दो मुझे घर ले दो मुझे घर ले दो तो आज ना हम जा रहे हैं फैसलाबाद शहर और हम घंटा घर के सामने आ चुके हैं आप देख रहे हैं अपना वो सामने वो जो सामने आपका नज़र नहीं आ रहा वो जो पिद्दू सा वो जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं घंटा घर वैसे घर तो किसी का नहीं है लेकिन नाम जो है उसका घंटा घर है फिर ना वो जो छोटी सी मेरी पिद्दू सी भांजी है ना वो कहती है मुझे मामू मुझे घर ले के दो तो आज ना हम उसका डोल हाउस लेने के लिए आए हैं हम बाज़ार में आ गए हैं और ये हम शॉप पे आ गए और हमने देख लिया ये डोल हाउस इसको हमने बाय कर लिया फिर ना हम इसको ले कर जाएंगे और मैं इसको अपनी भांजी को दूंगा और ये साथ में उसकी रेड वाली बड़ी सी गुड़िया भी है ये जो ये गुड़िया देखो कितनी की ऊँट सी है पता तो नहीं इसकी शादी भी हुई है कि नहीं हुई अभी हमने ये चीजें ले ली अब हम बाहर आए हैं हमें थोड़ी सी भूख लगी थी फिर हमने बनो भी पुलाओ भी थाया क्योंकि थाना थाने से ना बंदा ठीक रहता है बंदे को भूख नहीं लगती पेट भर के थाना भी थाना चाहिए हाँ ये भी होता है कि कुछ लोगों को कहते हैं उनके मेरे बेबी ने थाना थाया हमसे ये पूछने वाला तो कोई नहीं है ये देखो डोल का हाउस ये डोल ने अपना हाउस जा के रखा हुआ है ओके अपना ख्याल रखिएगा मेरे बेबी ने थाना थाया आपसे जो कोई पूछे उसको बता दिया करें